मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। धर्म शिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आज का संपूर्ण राशिफल लेके। मित्रों अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि पूजा पाठ से संबंधित हो या हमारे धर्म के बारे में हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर नीचे पूछें। ऐसा प्रश्न पूछें जो कि समाज में सबके काम आ पाए। ऐसा नहीं कि अपनी कुंडली के बारे में, वो तो आप हमसे पूछें ही, वो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं उस विषय के लिए। लेकिन जो पूजा पाठ से संबंधित, हमारे धर्म से संबंधित कई ऐसी भ्रांतियाँ होती है या आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता या ये समझना है कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा ही हम क्यों करते हैं दरअसल में, तो इन सब सवालों के जवाब आप अब धर्म शिक्षा चैनल पर पा सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा हमें अपना प्रश्न और हम हर रविवार को आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आएंगे और आपको डिटेल में वहां पे बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और क्यों ऐसा करना चाहिए या जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर क्या है। तो उम्मीद है आपको इसमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हमें भी आपको बताकर अच्छा लगेगा। इस वजह से मैंने सोचा कि यह प्रोग्राम एक रखना चाहिए ऐसा धर्म शिक्षा चैनल पर। और संडे सभी एक साथ मिलेंगे चैनल पे और जो भी हफ्ते भर का प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको मिलेगा। इससे आपकी जानकारी तो बढ़ेगी ही, साथ में और जो व्यूअर्स देखेंगे उनकी जानकारियाँ भी बढ़ेंगी। तो आप भी अपने प्रश्न निश्चित तौर पर पूछें। आइए अब जानते हैं आज का संपूर्ण राशिफल। आज है मंगलवार यानी कि 3 सितंबर 2019। अगर हिंदी कैलेंडर यानी कि अपने पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संवत 2076 भादव मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, जो कि आज सुबह के 6:50 तक रहने वाला है। उसके बाद पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रहेगा चित्रा, जो कि दिन के 12:14 तक रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। व्रत त्यौहार में आज है ऋषि पंचमी, साथ ही रक्षा पंचमी का व्रत है जो कि बंगाल में मुख्यतः मनाया जाता है। मित्रों आज के संपूर्ण राशिफल में हम जानने वाले हैं कुल 12 राशियों का आज का राशिफल। साथ ही हम जानेंगे आज का शुभ समय, आज का अशुभ समय, दिशा शूल, शुभ खाद्य, भाग्यवर्धक उपाय, राशि अनुसार क्या खाद्य पदार्थ आपके लिए आज शुभ रहेगा तथा राशि अनुसार कौन सा रंग आपके लिए आज शुभ रहने वाला है। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और संपूर्ण राशिफल का लाभ उठावें। जिन मित्रों को भी अभी तक अपनी सही राशि पता नहीं चल पाई है वे हमें कमेंट बॉक्स में ठीक इसी प्रकार से अपना पूरा विवरण लिख के दें, जिसमें कि आप हमें बताएंगे अपने जन्म का स्थान, अपने जन्म का समय और अपने जन्म की तिथि, जिसे देखेंगे हम और आपकी कुंडली को देखेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी सही राशि क्या है, ताकि आप अपना सटीक राशिफल हर रोज धर्म शिक्षा चैनल पर देख पाएं। मित्रों अगर आपको हमारा आज का यह राशिफल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में जय माता दी लिखें। अगर आपके कुछ सुझाव हों राशिफल से संबंधित या और किसी वीडियो से संबंधित, कैसे हम इस वीडियो को, इस चैनल को और भी अच्छा कर सकते हैं, तो हमें निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखें। मित्रों आज के 12 राशि का राशिफल आपको बताना आरंभ करूं इससे पहले आइए जानते हैं आज ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा राशिफल निर्भर करता है। आज राहु मिथुन राशि में, बुध शुक्र सूर्य मंगल के साथ सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शनि केतु के साथ धनु राशि में है। तो इन्हीं सभी ग्रहों का मिला जुला हाल आज के राशिफल में हम जानने वाले हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि में चंद्रमा आज 7वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप घर परिवार की स्थिति में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन मिल सकता है। आपके रोजमर्रा के काम भी पूरे हो सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगी। आज आप दूसरों की मदद करेंगे। कुछ पुराने मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ लोग आपकी भावनाओं से आज खेल भी सकते हैं, तो ऐसे लोगों से आज सावधान रहने की आपको जरूरत है। संतान के सुख में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग भी आज आपको मिलेगा। बिना वजह वाले विवादों से आपको आज बचना चाहिए। दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व आज बना रहेगा। दिन भर खुश रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में आज आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज कहीं अच्छा रहने वाला है। कम मेहनत में भी ज़्यादा सफलता की प्राप्ति आपको हो सकती है, तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें।
स्वास्थ्य की बात करें तो पुराने रोग से आपको आज छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। दाएं हाथ या शरीर के किसी भी दाएं अंग में आज चोट लग सकती है, तो संभल कर रहें। प्रेम संबंध की बात करें, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा, घर में खुशी का माहौल भी रहेगा। आज के दिन अगर कुछ तला हुआ भोजन करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है चॉकलेटी रंग। बात करेंगे वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आज 8वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी सामाजिक महत्व के कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आज किसी अनचाहे व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, जिसके कारण आपका मूड भी खराब रहेगा। खान पान में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको सलाह दी जाती है कि आज किसी भी मामले को हल्के में ना लें। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुश भी रहेंगे। व्यापार और धन की बात करें, नौकरी और कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आय के साधनों में भी बढ़ोतरी होगी। खर्च आपका बढ़ेगा। बिजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में आपको लाभ होगा। मकान या भूमि संबंधित कार्यों में आज थोड़ी चिंता आपकी रह सकती है। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा दिन रह सकता है। ज़्यादा मेहनत का आपको कम फल मिल सकता है, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन थकान और आलस्य से परेशान रह सकते हैं। अपने आप को कम समय दे पाएंगे। अपने माता के स्वास्थ्य का भी आपको आज ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम प्रस्ताव आपके विफल हो सकते हैं। विवाद होने की भी संभावना आज बन रही है। प्यार के इजहार करने से आज आपको बचना चाहिए। बात करेंगे आज के शुभ खाद्य की, तो आज तांबे के बर्तन में पानी पिए आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा नीला रंग। बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि में चंद्रमा आज 9वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपकी योजना सफल हो सकती है। दिन भर आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। आज अपना काम पूरी एकाग्रता के साथ आप कर पाएंगे। दोस्तों की तरफ से भी कुछ अच्छी खबर आपको आज मिल सकती है। संतान के सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक मामले में थोड़ी उलझन आपकी बढ़ सकती है। साथ ही धैर्य में कमी आएगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति में आज सुधार होगा। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और निवेश में धन आने की संभावना बन रही है, तो सलाह विचार करके ही कुछ कार्य करें। अचानक धन लाभ की संभावना बन रही है। साथ ही आपके खर्च भी आज बढ़ेंगे। विद्यार्थी की बात करें तो आज विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको आसानी भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको आज ध्यान रखना चाहिए। प्रेम संबंध की बात करें तो अविवाहित लोगों को अपने प्रेम संबंध में आज सचेत रहने की जरूरत है। आपके प्रेम संबंध आज उजागर हो सकते हैं। साथ ही आपके पार्टनर का मूड आज खराब रह सकता है। जीवन साथी के साथ हल्की नोकझोंक की संभावना भी बन रही है। आज के दिन अगर दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है स्लेटी रंग। बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि में चंद्रमा आज 10वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज किसी पर ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में भी आज बढ़ोतरी होगी। मकान जमीन जायदाद से संबंधित मामले आपके आज सुलझ सकते हैं। कुछ नए लोगों से भी दोस्ती हो सकती है। आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जो भी बोले सोच समझ कर बोलें। कहीं घूमने फिरने के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार में परिवर्तन की संभावना बन सकती है। कहीं निवेश करना चाहते हैं तो लोगों की सलाह निश्चित तौर पर लें। खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके कारण आपकी चिंता भी आज बनी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की रुचि आज पढ़ाई में बढ़ेगी, साथ ही इसके परिणाम भी अच्छे होंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर और पेट संबंधी कुछ परेशानी रह सकती है आपको, तो अपने भोजन का आपको आज ध्यान रखना होगा। पुरानी बीमारी भी आपको आज परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में जीवन साथी के प्रति आपको आज सकारात्मक विचार रखना चाहिए। उनकी भावनाओं का आज सम्मान भी आपको करना चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों के महत्वपूर्ण कामों की योजना उनके साथ शेयर करें, जस्ट बातें करें, जिससे उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए आप पे। इससे आपके संबंध बेहतर होंगे। आज के दिन अगर केला खाते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है काला रंग। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में चंद्रमा आज 11वें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप परिवार की कलह सुधारने में आज आपको सफलता मिलेगी। पुराने विवाद और परेशानियां आज खत्म हो सकते हैं। सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। किस्मत का साथ भी मिलेगा। कुछ लोगों के साथ आपके मनमुटाव भी हो सकते हैं, जिसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे। आज अपने वाहन को सावधानीपूर्वक और नियंत्रण में चलाएं।
दुर्घटना के योग बन रहे हैं तो आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार के मामले में कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें, आज आपके ज़्यादातर शौक भी पूरे होंगे। खरीदारी के योग आपके लिए बन रहे हैं जिसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों की मेहनत सफल रहेगी तो मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव आ सकता है, थकान और आलस भी आपका बना रहेगा, मन में थोड़ी चिड़चिड़ापन भी रह सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे, पति पत्नी के बीच अच्छी समझ आज बनी रहेगी। आज के दिन अगर चावल अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है नीला रंग। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि में चंद्रमा आज 12वें स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपका मन सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा, परिवारजनों का स्नेह आप पर बना रहेगा। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं आपके लिए और यात्रा आपकी शुभ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपसे पसंद रहेंगे, रुके हुए फंसे हुए कार्य आपके पूरे आज हो सकते हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा आत्मविश्वास में ना पड़ें, इससे काम आपके बिगड़ सकते हैं। आज आपको अपनी बात किसी से शेयर करने का मन भी करेगा। व्यापार और धन की बात करें तो पैसे कमाने के नए मौके आपको मिलेंगे, साथ ही खर्च की अधिकता भी रहेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में आज सावधानी बरतें, मौसमी बीमारियां आपको परेशान भी कर सकती है। प्रेम संबंध की बात करें तो अपने जीवन साथी का रवैया आपको परेशान कर सकता है, शादीशुदा लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की भी आज ज़रूरत है। आज के दिन चांदी के बर्तन में खीर खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है बैगनी रंग। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि में चंद्रमा आज प्रथम स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपको आपके भाइयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। काम धंधा बढ़ाने के लिए आपने जो भी मेहनत अपने पिछले दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा। आपके सोचे हुए कार्य भी पूरे होंगे, साथ ही अपने आक्रामक रवैये पर आज नियंत्रण रखें, ये आपको हानि भी करा सकते हैं। आज किसी से कर्ज बिल्कुल ना लें, कर्ज लेने से बचें। नौकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से आज संबंध बिगड़ सकते हैं, तो इसमें सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। व्यापार और धन की बात करें तो आपकी आय में आज बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज कहीं निवेश करना आपके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है, लेकिन निवेश आपको सोच समझ कर करना चाहिए। जो भी अनुभवी लोग हैं उनसे सलाह लेकर ही करें। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए सफलता के योग बन रहे हैं, मेहनत में किसी प्रकार की कमी ना रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको गैस और एसिडिटी का सामना करना पड़ सकता है, तो बाहर के खाने से बचें, ऐसे किसी खाद्य पदार्थ से बचें जिसके खाने से गैस होता है। बात करें प्रेम संबंध की तो जीवन साथी से सम्मान और प्यार आपको मिलेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आज अविवाहित प्रेमियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन अगर मूंग की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा नीला रंग। बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में चंद्रमा आज दूसरे स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज आपको नज़दीकी दोस्तों और प्रेमीजनों से मदद मिल सकती है। किसी बुजुर्ग की सलाह अगर लेंगे तो आपके समस्या का समाधान आज होगा। आज आपको आपकी उत्सुकता कई नई चीज़ें भी सिखा सकती है। आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आ सकता है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आत्मविश्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे, परंतु आय में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समाज में आपको मान सम्मान भी मिलेगा। व्यापार और धन की बात करें तो आज व्यापार करने वाले जातकों के आय में कमी आ सकती है। व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना लें, आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन आज पढ़ाई में लगेगा और उनको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो थकान आपको हो सकती है, नींद में कमी भी आ सकती है, पुराने रोग आपको आज परेशान भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध की बात करें दाम्पत्य जीवन की खुशियां बढ़ सकती है। प्रेमियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, अनुकूल नतीजे मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। अविवाहित जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। आज के दिन अगर दही खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा काला रंग। बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि में चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फलस्वरूप आज जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से सलाह करके ही फैसला लें। कामकाज में आज आपको सफलता मिलेगी, कोई पुराना दोस्त आपको आज मिल सकता है।
आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। किसी मित्र से आपकी आज अनबन भी हो सकती है तो अपनी वाणी पर नियंत्रण भी रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था आज बढ़ेगी। व्यापार और धन की बात करें तो किसी प्रियजन की मदद से आपको व्यापार में वृद्धि होगी। माता पिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है। आज कहीं अगर आप निवेश करेंगे तो उसका फायदा आपको होगा। व्यापार में नए अनुबंध हो सकते हैं। कुल मिलाकर आपका आर्थिक पक्ष आज बेहतर रहेगा। बात करेंगे विद्यार्थी की तो विद्यार्थी आज अपने पढ़ाई को लेकर थोड़े चिंतित और निराश रह सकते हैं, लेकिन आपको चिंता और निराशा से निकलकर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा, सफलता तभी मिलेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो गले या मुंह से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती है तो अपना ध्यान रखें। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आज आपकी कई प्रकार के इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। वैवाहिक जीवन में समरसता आज बनी रहेगी। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहने वाला है मिट्टी कलर। बात करें मकर राशि की, मकर राशि में चंद्रमा आज चौथे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज आपको कुछ फंसे हुए कार्यों को निपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए अच्छा दिन है। बहुत सारे कार्यों को खत्म करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने काम को लेकर अगर संकोच में आज नहीं रहेंगे तो आपको फायदा भी होगा। आज हो सकता है आपको अपना प्रभाव जमाने के लिए कहीं पर झूठ भी बोलना पड़े। आज आप अपने बच्चों की पढ़ाई में भी रुचि ले सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो आज कहीं भी धन निवेश करने से बचें, इससे आपको हानि हो सकती है। आज आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। लापरवाही और संकोच में ना पड़ें, इससे आपको आपके करियर में हानि होगी। अपने व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, फायदा आपको तभी होगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, मेहनत करेंगे तो सफलता की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको सिर में दर्द रह सकता है, साथ ही कफ का सामना भी करना पड़ सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठंडी चीज़ें खाने से आज बचें। प्रेम संबंध की बात करें तो आज आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अविवाहित लोगों को भी प्रेम संबंध में सफलता मिलने के योग आज बन रहे हैं। प्यार के इजहार करने के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के दिन का तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा चॉकलेटी रंग। बात करेंगे कुंभ राशि की, कुंभ राशि में चंद्रमा आज पाँचवें स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप निजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाव के संकेत आपको मिल सकते हैं। नौकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को अच्छा करने की ज़रूरत है। अचानक कहीं यात्रा पर जाने के योग भी बन सकते हैं। कामकाज में आपको सफलता भी मिलेगी। ऑफिस में फील्ड में ज़्यादा समय आपको देना पड़ सकता है। आज कुछ नकारात्मक सोच भी आ सकती है तो नकारात्मक सोच से आप बचें, इससे आपके काम आज बाधित हो सकते हैं। व्यापार और धन की बात करें तो भौतिक सुख सुविधा वाली चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में मुनाफा होगा, साथ ही नौकरी के लिए अनुकूल स्थिति आज बनी रहेगी। अपने व्यापार में भी आप वृद्धि कर पाएंगे। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों को आज ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव के योग बन रहे हैं, लेकिन भोजन संबंधी अगर कुछ दिक्कत है तो वह खत्म होंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंधों में आज उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा, लेकिन जीवन साथी से वाद विवाद में ना पड़े, लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। आज के दिन अगर गुरु खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा नीला रंग। बात करेंगे मीन राशि की, मीन राशि में चंद्रमा आज छठे स्थान में विराजित है, जिसके फलस्वरूप आज अगर आप कोई कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरों की मदद करेंगे तो उसका फायदा आपको भी मिलेगा। कुछ क्षेत्रों में तो नई शुरुआत भी हो सकती है। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य करने के योग आपके लिए आज बन रहे हैं। धार्मिक कार्य करने के योग बने तो निश्चित तौर पर करें। परिवार में सुख सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। संतान के तरफ से आपको थोड़ी चिंता आज रह सकती है, खास करके संतान की गतिविधियों से। किसी से आपके वाद विवाद हो सकते हैं तो ऐसी स्थिति ना आने दें, विवादों से आज बचें। व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार में नया कार्य आरंभ कर सकते हैं, लेकिन नया कार्य आरंभ करने से पहले वीडियो के अंत में जरूर जान लें आज का शुभ समय क्या है। शुभ समय में नया कार्य आरंभ करें ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो। निवेश करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकते हैं। पैसे के लेन देन में आपको किसी के झूठ के कारण आज नुकसान भी हो सकता है। कोई अटका हुआ धन आपको आज प्राप्त हो सकता है। व्यापारिक यात्रा के भी योग आपके लिए बन सकते हैं।
विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें, सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित तौर पर होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं, इससे आपका पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे। आज के दिन अगर गेहूं से बनी हुई चीजें खाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए आज का शुभ रंग रहेगा काला रंग। तो मित्रों, ये था आज के 12 राशि का राशिफल। अब जान लेते हैं आज का शुभ समय। आज का शुभ समय यानी कि गोलिक काल रहने वाला है दिन के 12:20 से लेकर 1:55 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य आरंभ करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है दिन के 3:30 से लेकर 5:05 तक। इस समय में कुछ भी नया कार्य करने से बचें और सफलता हाथ लग सकती है। दिशासूर रहने वाला आज उत्तर दिशा में किसी खास प्रयोजन से यात्रा आज ना करें। आज के दिन अगर गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे तो आपके कार्य बनेंगे। मित्रों, अब जान लेते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय को। मित्रों, आज दिन है मंगलवार का और मंगलवार का दिन होता है हनुमान जी का दिन। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर निश्चित तौर पर अर्पित करें और सिंदूर का चोला हनुमान जी को चढ़ावे भी। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो मित्रों, ये था आज का संपूर्ण राशिफल। कल के संपूर्ण राशिफल के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद। जय माता दी।